गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 8, द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष की भव्यता। तो स्टूडेंट, हमने कुछ टॉपिक इसमें देख लिए थे और कुछ टॉपिक हमारे हैं वो बाकी है, वो आज हम पूरा करेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि प्राचीन भारत की जो खेती है, एग्रीकल्चर यानी कि खेती है, उसके बारे में देखा था। खेती में हमने टूल्स के बारे में देखा था। टूल्स मतलब होता है उसका मीनिंग हिंदी में औजार, जिसमें हमने देखा था कि जो हड़प्पा कालीन जो प्राचीन भारत की खेती है उसमें गेहूं, जो फिर धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर, ये सब की खेती वो लोग करते थे। लेकिन इसमें जो हल था उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। हल जो है वो खिलौने के रूप में मिलता है। उसके बाद ये पता चला कि वो भी खेती में हल का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे हल बनाया गया और खेती में उपयोग किया गया। फिर हमने देखा था इरिगेशन यानी कि सिंचाई, तो सिंचाई भी हमने उसमें देखा था। फिर हमने देखा था एशियंस इंडिया रूरल लाइफ यानी कि प्राचीन भारत का जो ग्रामीण जीवन है और शहरी जीवन है उसके बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद हमने लिटरेचर इन इंडिया यानी कि भारत की जो प्राचीन भारत की साहित्य की जो विरासत है वो देखे थे। उसमें हमने रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ा था कि जो धार्मिक साहित्य है उसमें 108 जितने उपनिषद है जो भारतीय दर्शन के महामूल ग्रंथ है। फिर हमारे जो चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। फिर ब्राह्मण ग्रंथों का भी उसमें बताया गया था। फिर कटकेन, प्रश्न, मुंडक, मांडुल्य, ईश्वरवासीय, ये सब छंदोदय उपनिषद भारत के तत्वदर्शन के महान ग्रंथ भी थे। उसके बाद हमने देखा था नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धर्मेतर साहित्य, तो वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेनर ट्रैवल्स यानी कि विदेशी यात्रियों का वर्णन, तो विदेशी लोग फॉरेनर्स लोग भारत में आते थे, फिर भारत को बहुत सारी चीज़ें देख के वो लोग उस पर लिखते थे। तो ये हमारी एक संस्कृति थी। उन्होंने इंडिका नाम के एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी। उसके बाद हमने सम्राट हर्ष के बारे में और जो चीनी यात्री थे हेमस्टन, उन्होंने भी सामाजिक जीवन और शासक संस्कृति का चित्रण बुक में किया था, वो हमने देखा था। फिर हमने ट्रेडर्स न्यू रूट यानी कि व्यापारी के नए मार्ग, जो जमीन मार्ग और पानी के मार्ग से भी वो लोग आते थे और व्यापार करते थे, उसमें हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मूल्यवान होती थी, वो आयात और निकास दोनों चीज़ें होती, जैसे कि सिल्क, टेक्सटाइल, स्पाइसी, टिबर, ये सब एक्सपोर्ट होता था, और चाइना से भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती थी। फिर हमने पेंटिंग्स इन एशियंस इंडिया, जो प्राचीन भारत की चित्रकला है, उसके बारे में भी देखा था, जिसमें 500 से अधिक चित्र हमें जो है वो आदि मानव की जनजातियों द्वारा मिला है। फिर जो चित्र है वो मनुष्य को प्रकट करने वाला एक विशेष माध्यम है। फिर उसमें अजंता इलोरा का जो चित्र है वो भी एक विश्वविख्यात है, उनका भी एक चित्र बनाया गया है, और जो चित्र बनाया है वो ऐसे लगता है कि हकीकत में वो अभी भी प्रस्तापित है, तो वो उसके बारे में भी हमने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एशियंस इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के जो शिल्प और स्थापत्य है उसके बारे में देखेंगे। टाउन प्लानिंग सीन इन हरप्पन सिविलाइजेशन इज द वर्ल्ड रिवॉर्डेड मेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर यूनिफॉर्मिटी इन टाउन बार्स जर्नरीज इंडस्ट्रीज यूनिट्स एंड द हेवस्टिंग ऑफ रेन वाटर एक्सेट्रा आर द स्ट्रक्चर एसोसिएट विद द हरप्पन सिविलाइजेशन विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग एंड द एंशियंस इंडिया। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूडिस केव्स आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ पैलेसेस। केव्स आर्किटेक्चर इंक्लूडिस हिल्स एंड बाबर, नासिक हिल्स, अजंता इलोरा एंड द अमरावती। यानी कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता में दिखाई देने वाली जो नगर प्रबंध भारतीय स्थापना का जो विश्व प्रसिद्ध नमूना है, उसमें एक समान ही
रचना की गई है, जैसे कि स्नानागार, अनाज के कोठार, औद्योगिक इकाई और वर्षा के जल के प्रबंध के साथ जुड़े अनेक स्थापत्य के सभ्यता से वो लोग जुड़े हैं, जो प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग कला का उत्तम उदाहरण भी है। तो इस स्थापत्य में गुफा स्थापत्य, फिर मंदिर स्थापत्य और महलों के स्थापत्य का जो समावेश करते हैं। गुफा स्थापत्य में बाराबार की जो पहाड़ियाँ है, फिर नासिक में जो गुफा है, शिल्प की जो अजंता इलोरा और अमरावती की गुफा है, वो शिल्पों जो सारे शिल्पों का उसमें समावेश होता है। इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स वॉज फुल्ली डेवलपमेंट इन इंडिया। टाउन आर स्टाइल्स ऑफ आइडल एंड वेर प्रिविलियंट इन असियंस इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधार आर्ट विच वॉज कन्फ्यूजन ऑफ द ग्रीक एंड द इंडियन स्टाइल। अ नंबर ऑफ द आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड द गांधार इन अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बुद्ध स्टेच्यू वेद मेड इन लार्ज नंबर लार्ज स्टेटस ऑफ बुद्ध हैव बीन फाउंड इन बामियन एंड द चोरसोधा इन दिस स्टाइल। अदर स्टाइल इज कम्प्लीटली इंडियन विच इज नो एज द मथुरा आर्ट इन इट ऑल्सो फिथफुली बुद्धिस्ट स्टेटस स्टेच्यू सॉरी स्टेटस वेर मेड आफ्टर दैट द आइडल्स हिंदू डिटेल्स वेर ऑल्सो मेड इन दिस स्टाइल। स्पेसिमेंस एंड द स्कल्पचर हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम अमरावती, अजंता, नासिक एंड द सारनाथ। यानी कि शिल्पकला में मूर्तिकला का भारत में पूर्ण विकास भी हुआ था, जिसमें दो मूर्तिकला शैली भारत में प्रचलित थी। सबसे पहले थी गांधार कला शैली, जो ग्रीक और भारतीय कला शैली का संगम थी, और उत्तर पश्चिम भारत में जो अफगानिस्तान है उसमें तक्षशिला और गांधार में कला शैली के अनेक नमूने भी मिले हैं, जिसमें बौद्ध की मूर्तियां अधिक संख्या में मिली है। बौद्ध की जो विशाल प्रतिमाएँ हैं वो उस कला शैली की बामियान और चारसड्डा में देखने को मिलती है। फिर दूसरा है अन्य कला शैली, जिसमें संपूर्ण भारतीय, जिसमें मथुरा कला शैली के रूप में जानते हैं, उसमें सर्वप्रथम बुद्ध की जो मूर्ति बनी है उसमें, और उसमें मथुरा कला शैली में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनने भी लगी थी। अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ में भी जो मूर्ति कला का है वो प्रमाण उसमें मिला है। फिर हम देखेंगे स्तूप्स एंड विहार, यानी कि स्तूप और विहार के बारे में देखेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूडेड स्तूप्स, चैत्यास एंड द विहार आफ्टर द निर्वाणा एंड गौतम बुद्ध इन मोनुमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ बिगन दिस फॉर्म ऑफ स्तूप्स। दिस स्तूप्स वेयर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वजी यूनियन। द स्तूप्स इज स्मॉल डम स्टेप ओवल आर्किटेक्चर इज मिडल ऑफ द विच इज रियस ऑफ बुद्ध वेयर बॉरिस एंड द बुद्धिस प्रैक्टिस मेडिटेशन देयर। लेटर ऑफ स्तूप्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया इन लार्ज नंबर अमंग विच द अशोका सांची स्तूप, स्तूप्स ऑफ लुम्बिनी एंड द स्तूप ऑफ सारनाथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। द एम्पायर आफ्टर द अशोका मेंटेन द ट्रेडिशनल ऑफ द स्तूप कंस्ट्रक्शन। द किंग्स ऑफ सुंग डेस्टिनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन वर्क अराउंड द स्तूप्स। कनिष्का गॉट अ ह्यूज स्तूप्स कंस्ट्रक्टेड इन द पुष्पुर पेशवर विच इज द कॉलेज सांझी की देरी। देर इज अ पदक्षिमा पाथ अराउंड द स्तूप्स। चैत्या ऑल्सो आर मेजर कंसेंट्रेट बुद्धिस्ट आर्ट लाइक अ केव चैत्या वेर अ केव ऑफ माउंटेन्स। इन केव्स ऑफ चैत्यास कोलंबस डूर्स ह्यूज प्लेयर्स हॉल्स एक्सेट्रा वेर कवर्ड एंड वेर गिवन द शेप्स ऑफ टेम्पल। दे वेर यूज एज पैलेस फॉर प्रेयर्स। द कोलंबस वेर द फाइनली कवर्ड चैत्यास ऑफ अमरावती भाज एंड द कार्ला हैव बिकम अ वर्ल्ड फेमस। द केव्स वेर द मेड बाय अ क्रेविंग माउंटेन्स फॉर द बुद्धिस्ट एंड द जैन मॉन्क्स विच वेर कॉल्ड विहार। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टडीड इन दिस विहार। यून स्टंग्स नोट दैट द वेर यून हंड्रेड ऑफ विहार इन नॉर्थ इंडिया एंड द गुजरात। स्टेट्यूज एंड द मोनुमेंट्स आर एसोसिएट विद द जैन आर्किटेक्चर। ऑल्सो जैन स्टेच्यू एंड जैन मॉन्क्स ऑफ द बुद्धिस्ट
Baisu. Many such types of the caves and located in Gujarat. Get information about them from your teacher. यानी कि बौद्ध धर्म के स्थापत्य में स्तूप, चैत्य और विहार आते थे। गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद जो उनके जीवन के स्वरूप में स्तूप निर्माण प्रारंभ भी हुआ था, उन्होंने सर्वप्रथम वज्जी संघ में इस स्तूप का जो निर्माण कराया गया था उसमें स्तूप के अर्थात जो छोटे कुंभ आकार यानी कि अंडाकार आकार का स्थापत्य भी होता था, जिसमें मध्य में बुद्ध के अवशेषों में कपड़े में रखा जाता था और वहाँ पर बुद्ध मत वाले ध्यान भी लगाते थे। बाद में स्तूप भारत में अधिक संख्या में बनने लगे, जिसमें अशोक का जो सांची स्तूप है, लुम्बिया का स्तूप, फिर सारनाथ का स्तूप, वो महत्वपूर्ण थे। अशोक के बाद जो स्तूप बनाने की जो परंपरा बनी रही थी उसमें सांची स्तूप के चारों तरफ लकड़ी की रचना सुंग वंश में राजा से करवाया गया था। फिर कनिष्क के जो पेशावर के एक विशाल स्तूप में, जिसे आज भी शाहजी की डेयरी कहा जाता है, वो बनवाया गया था। और स्तूप के जो आसपास प्रदक्षिणा पथ बनाया होता था उसमें चैत्य की बाद में जो बौद्ध कला थी उसमें मुख्य केंद्र बनाया। फिर चैत्य गुफा की तरह पर्वतों को काटकर बनाया जाता था। फिर चैत्य गुफा में पंक्तिबद्ध स्तंभ, दरवाजे, बड़े प्रार्थना मंडल वगैरह तराशर के उन्होंने मंदिर का आकार भी दिया गया था। प्रार्थना गृह के रूप में उसका उपयोग करते थे और स्तंभों के रूप में बारीक की जो आकार बनाया जाता था वो, और अमरावती के भज और काले की चैत्य की विविध विख्यात भी है। फिर बौद्ध और जैन साधुओं को रहने के लिए पर्वतों को जो काट कर गुफाएं बनाई जाती थी और उस स्थल को जो विहार भी हम लोग कहते थे। जैन और बौद्ध साधु की जो विहार है उसमें रहकर वो लोग अध्ययन भी करते थे। उसके बाद जो हवेंग संत थे जो चीन से आए हुए थे प्रवास के लिए, वो उत्तर भारत में और गुजरात में ऐसे उन्होंने 100 जितने विहार बताए थे। जैन स्थापत्य कला के साथ मूर्ति और विहार जुड़े भी थे, जिसमें श्रवण बेलगढ़ों को प्राप्त जो गोमेतवसर की जो जैन मूर्ति है वो भी वहाँ की विख्यात है, प्रसिद्ध है। और जैन धर्म के साधु और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में जो संख्याबद्ध है वो गुफाएं बनाई जाती थी, और ऐसी तरह बहुत सारी गुफाएं बनाई गई जिसमें वो गुजरात में भी है और जिनकी जानकारी आपको अपने शिक्षक से प्राप्त करनी है। तो आज हमने थोड़ा लेसन नंबर 8 का रिवाइज भी किया और दो टॉपिक हमने पढ़े। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।